हेलो स्टूडेंट, रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, खुशियों का समंदर भी आएगा। तक करना बैठा है मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। और इन्हीं हौसलों के साथ आज हम लोग इस क्लास का मज़ा लेने वाले हैं। आप लोग जल्दी से जुड़ जाओ और फटाफट फिर हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि बहुत से छात्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं, संध्या कुमारी जुड़ चुकी हैं, अंकुश जी जुड़ चुके हैं, सोनम यादव, सोनम शुक्ला और सुधांशु जी जुड़ चुके हैं, और भैया कौन कौन जुड़े हैं, प्रज्ञा और मोहित। तो बहुत बहुत थैंक यू आप सभी को। तो बच्चों चलो आगे बढ़ते हैं। आज जो टॉपिक है बड़ा ही इंटरेस्टेड है, बड़ा ही मज़ेदार है ये, क्योंकि जो आज आप पढ़ोगे ना, ये बहुत ही हेल्पफुल टॉपिक है भैया। हाँ, इसमें चाहे कक्षा 5 का लड़का जुड़ा है, चाहे कक्षा 3 का, चाहे तो आप कुछ भी कर रहे हो, समीकरण का कैलकुलेशन आपको आना चाहिए। हाँ, समीकरण का कैलकुलेशन आपको आना चाहिए, क्योंकि जो इक्वेशन होता है यानी समीकरण, वो आप 9th 10th में भी पढ़ते हो, 11th 12th में भी पढ़ते हो, हर एक क्लास में पढ़ते हो। तो देखो, सबसे पहले समीकरण होता क्या है। समीकरण पढ़ने के लिए आपको ये आना चाहिए, चर अचर, बोलो आता है कि नहीं, बीजीय व्यंजक, जिनको नहीं आता बता देना, बीजीय व्यंजक, और जिनको नहीं आता वो इस क्लास के ख़त्म होने के बाद इसी वीडियो में आके कमेंट करेंगे तो उनको ये सब सिखाया जाएगा। अम्बेश जी आप भी जुड़े हैं, अर्पिता सिंह, और कौन है भैया, मनोज, चलो। तो देखो समीकरण क्या होता है। समीकरण तो वैसे अगर इसकी परिभाषा की बात करें तो ऐसे आप समझ लो कि एक ऐसा बीजीय व्यंजक जो अज्ञात राशि के किसी भी मान के लिए संतुष्ट नहीं होता है, मतलब किसी एक विशेष मान के लिए संतुष्ट होता है, वो समीकरण कहलाता है। आप सभी जल्दी से इस क्लास को शेयर कर दो, संख्या फटाफट 50 के ऊपर ले जाओ तभी क्लास चलेगी। तब तक हम इंतज़ार करेंगे, जो नए बच्चे जुड़े हैं वो थोड़ा सा इंतज़ार करें 5 मिनट, और वो क्लास को फटाफट शेयर करें। जल्दी करिए, आप लोग शेयर करिए। अगर आप इस लाइव को ख़त्म होने के बाद देख रहे हो तो हो सकता है आपको ना पढ़ाया जा रहा हो, अगर अभी तो क्लास को 2-4 मिनट आगे भगा लो। हाँ, जल्दी करो सभी बच्चे, फटाफट, जल्दी से, देर नहीं। क्लास को लाइक करिए और अपने व्हाट्सएप के जितने भी ग्रुप हैं शेयर करके आओ। सभी स्टूडेंट जितने भी आपके व्हाट्सएप में ग्रुप हैं, टेलीग्राम में हैं, फेसबुक में हैं, शेयर करके आओ। मुझे ज़्यादा चिल्लाने का जो है अब अच्छा नहीं लगता है। हाँ, कितना देर में आओगे भाई साहब, मतलब बड़ा गड़बड़ है यार, आप लोग टाइम से जुड़ जाया करो ना। अभी सब रेडी हो रहे हैं, कुछ तो आ गए हैं, कुछ नहीं आए हैं। चलिए ठीक है, फिलहाल हम बढ़ते हैं। अब समीकरण होता क्या है इसके बारे में चर्चा करते हैं, थोड़ा बहुत कुछ डिस्कशन होता है, तब तक आते रहेंगे धीरे धीरे सब ना। चलो ठीक है, आज इसमें आप पढ़ोगे समीकरण का अर्थ और समीकरण बनाना सीखोगे, समीकरण कितने प्रकार के होते हैं ये सब भी सीखोगे, और उसके बाद फिर क्या सीखोगे, उसके बाद और भी बहुत सारी चीज़ें हम लोग सीखेंगे। अच्छा ठीक है, जैसे कि हम लोग दैनिक जीवन में क्या, हाँ 25 तक सब में भेज दीजिए ना, दूसरे वाले से भेजें नहीं, दोनों से मिला के आ गए सभी। चलिए, आप लोगों ने बचपन में बहुत सारी बातें सुनी होंगी। समीकरण बनाने के लिए मैं आपको कहाँ से शुरू करूँ, यहाँ पे उतना ज़्यादा बात करने का टाइम नहीं है, यहाँ पे उतना ज़्यादा बात करने का टाइम नहीं। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये जान लो समीकरण की परिभाषा क्या होती है, मैं बोल दे रहा हूँ, सुन लीजिए, कि एक ऐसा बीजीय व्यंजक जो अज्ञात राशि के किसी भी मान के लिए संतुष्ट नहीं होता है, या फिर इसे अच्छी लैंग्वेज में बोलें तो एक ऐसा बीजीय व्यंजक जो अज्ञात राशि के किसी एक निश्चित मान के लिए संतुष्ट होता है, समीकरण कहलाता है। जैसे आज अगर मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, ध्यान दो, एक्स प्लस 7 इक्वल 12, ये एक समीकरण है, ये एक समीकरण है, क्यों,
क्योंकि भैया यहाँ पे x का अगर मान मैं इवन रखूँ और 7 = 12, तो आपको पता है ये सेटिस्फाइड नहीं होता है, ये समीकरण संतुष्ट नहीं है एक रखने पर। इस तरह से आप 2 रखो 3 रखो 4 रखो 5 रखो, कभी ये संतुष्ट होगा? होगा, कभी ना कभी होगा, रख के ट्राई कर लो। एक रखने पे ये संतुष्ट नहीं है। अगर हम इसी समीकरण में इधर बगल में देखो, साइड में बच्चा लोग, x प्लस 7 = 12, इसमें x का मान 2 रखें तो आप देखोगे तब भी ये संतुष्ट नहीं है, ये इक्वल नहीं है, ये सेटिस्फाइड नहीं है। आप लोगों को क्या लगता है, क्या रखना चाहिए फिर हमें बताओ, क्या रखें इस पे, कौन सा ऐसा मान जिससे ये संतुष्ट हो जाए? देखो, चाहे 1 रख लो x का मान, चाहे 2 रख लो, चाहे 3 रख लो, चाहे 4 रख लो, कभी ये संतुष्ट नहीं होगा, कभी ये सेटिस्फाइड नहीं होगा। इसकी मैं आपको एक अच्छी अभी डेफिनेशन बताऊंगा, उसको भी सुनना, बस यहाँ पे लगे रहना। देखिए, यहाँ पर अगर हम x का मान सिर्फ 5 रखेंगे तभी ये संतुष्ट होगा, बाकी आप कुछ भी रख के देख लो ये संतुष्ट नहीं होगा, कुछ भी रख के देख लो ये संतुष्ट नहीं होगा। बात आपको समझ में आ रही कि नहीं? हाँ, तो ये होता समीकरण, ये इसकी पहचान होती है। अगर x के कोई भी मान रखोगे आप तो संतुष्ट नहीं होगा, x का सिर्फ एक निश्चित मान के लिए संतुष्ट होगा, बाकी ये सेटिस्फाइड नहीं होगा। ले जाओगे फोन, एक मिनट रुक जाओ, ले लेना। ठीक है, समझ रहे हो ना? तो चलो जल्दी जल्दी से आप लोग बता दो, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ें। आ गया समझ में कि नहीं आया? आया समझ में? देखो, अब इसमें हम थोड़ा सा आपको एक अच्छा मज़ेदार चीज़ बताएंगे, अभी ध्यान दो। जैसे ये समीकरण है ना, इसमें अगर हम एक सारणी बना दें, आप ध्यान दो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। एक मिनट रुक जाओ, मैं एक सारणी बनाऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा, एक सारणी बनाऊं तो आपको क्लियर हो जाएगा समीकरण और सर्वसमिका में अंतर क्या होता है। दोनों में अंतर आप ये समझ लो, तब आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। देखो इधर साइड में, समीकरण और सर्वसमिका के लिए एक तालिका बनाइए, आपको एकदम क्लियर हो जाएगा अच्छे से। एक सारणी बनाइए सभी बच्चे, जितने भी छात्र जुड़े हैं फटाफट इसको बनाएं, चलो जल्दी करो आप लोग, एक सारणी बनाइए, एक तालिका बनाइए और फिर ट्राई करके देखिए। चलिए बनाइए, यहाँ पे देखो, जैसे ये समीकरण वाला है ना, इसमें 2 कॉलम बना लो भैया, कितना बनाओगे? यहाँ पे लिखो x का मान, x का मान, इसके लिए ज़्यादा मत फैलाओ, थोड़ा जगह बनाओ इसको, x का मान, इधर लिखो बायां पक्ष, ले जाइए ले लो, क्या लिखोगे? चार्ज में लगा लेना, x का मान, ये हो गया। इधर लिखो बायां पक्ष, इसे बनाओ तो समझ में आएगा समीकरण और सर्वसमिका में अंतर, में बताने चल रहा हूँ, कोई बच्चा जाएगा नहीं, ध्यान से देखना सभी, ठीक है? ध्यान से देखोगे सब समझ में आएगा। अब इधर लिखो दायां पक्ष, क्या लिखोगे? दायां पक्ष, ये हो गया समीकरण वाला। अब देखो यहाँ पे आप समझो, मतलब समझो जो मैं बताने वाला हूँ, वो चीज़ आप समझने की कोशिश करो तो अच्छा रहेगा। अब देखिए, एक सारणी आप बनाओगे सर्वसमिका के लिए बगल में, क्योंकि हम लोग क्या करेंगे भैया? कंपेयर करेंगे, हाँ, हम लोग कंपेयर करेंगे इनमें, तब हमें क्लियर होगा कि समीकरण और सर्वसमिका में क्या अंतर होता है, कंसेप्ट समझेंगे हम लोग। अब देखो इसमें, देखो यक्स का मान, ये सर्वसमिका के लिए नहीं है, ये समीकरण के लिए है। जैसे मान लो मैंने एक समीकरण ले लिया, कुछ भी ले लो, मान लो हमने एक समीकरण ले लिया, क्या है भैया वो? यक्स प्लस 7 = 12, ये हमने एक समीकरण लिया था ना, ये समीकरण है। अब इसमें यक्स के अलग अलग मान रख के आपको देखना है कि दोनों पद बराबर आते हैं कि नहीं। यहाँ पे लिख लो ऊपर समीकरण, दोनों में अंतर समझना है कि समीकरण और सर्वसमिका में आखिर अंतर क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है, पूरा क्लास देखना एंड तक। चलो आगे, इतना बन गया। अब हम एक सर्वसमिका लिखेंगे, एक सर्वसमिका, जैसे मान लो हमने लिख लिया 2x
और इधर साइड में लिख लिया x का स्क्वायर माइनस वन इक्वल दो एक्स का क्यूब माइनस दो एक्स। ये क्या है बच्चा? सर्वसमिका है, ये सर्वसमिका है। अब देखो इसको इंग्लिश में आइडेंटिटी बोलते हैं, बहुत ही ध्यान से समझना। इसमें x का एक निश्चित मान रखोगे तभी ये संतुष्ट होगा, इसमें x का कोई भी मान रखोगे सबके लिए संतुष्ट होगा। इसको एक देसी भाषा में ऐसे समझ लो, जैसे आपने सुना होगा पहले के ज़माने में क्या होते थे, पहले के ज़माने में लोग बड़े ईमानदार होते थे, और उसमें एक आपने सुना होगा पतिव्रता नारी, सुना है कि नहीं आप लोगों ने? सुना होगा। देखो इस बात को सिर्फ समझने के लिए बता रहा हूँ, कोई इसको डीपली मत लेना, मैं किसी को बोल नहीं रहा हूँ, ना किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाने के लिए बोल रहा हूँ। पहले के ज़माने में होते थे एक पतिव्रता नारी, आज के ज़माने में होती मॉडर्न मतलब आधुनिक नारी। तो आप समझ रहे हो ना, दोनों में मतलब समझ रहे हो? तो सबका साथ सबका विकास वाले आज के ज़माने में हैं, और पतिव्रता पहले के ज़माने में होते थे, यानी अब आप समझ गए, ये वही हैं पतिव्रता वाले हैं, पुराने ज़माने वाले या आधुनिक ज़माने वाले हैं, इन सबका साथ सबका विकास मतलब सबके साथ संतुष्ट हैं, ये सिर्फ एक के साथ। आप चलो देखो कैसे, इसमें आप अच्छे से समझ जाओगे, एग्जाम्पल नहीं भूलोगे। तो देखो कैसे, इधर साइड में देखो, इधर साइड देखो, इसमें अगर हम यक्स का मान एक रखें, अब ध्यान देना बहुत ही मतलब समझना, इसमें हमने क्या किया एक्स का मान एक रखा, तो ये बताओ अगर इस समीकरण में यक्स प्लस सेवन इक्वल ट्वेल्व में यक्स का मान एक रखोगे तो कितना आएगा, बोलो कितना आएगा? देखो भैया यहाँ पे एक रखोगे तो एक धन ये सात इक्वल आएगा कितना, बारह ना ये आएगा। अच्छा चलो ऐसे ही समझ लो, जाने दो इसको, समीकरण मैंने थोड़ा सा कम सही लिखा है क्या, एक समीकरण दूसरा लिखो, चूंकि वो ठीक तो है लेकिन आप समझ नहीं पाओगे उसका मतलब। इधर साइड देखो, समीकरण ऐसे लिख लो 4x प्लस 3 इक्वल 2x प्लस 11, इसमें रखो तब आपको दोनों पक्ष LHS RHS में अंतर समझ में आएगा। इसमें रखो, चलो x का मान रखो कितना आएगा बोलो, ये भैया आपका LHS है, ये बायां पद है LHS, ये RHS है, दिख तो रहा ना, क्लियर दिख तो रहा है ना? नहीं दिखेगा बता देना, क्वालिटी चेंज कर लो, मस्त दिखेगा एकदम। चलो इसमें जब x का मान एक रखोगे तो चार एक कम चार और तीन सात, ये बायां पद सात आ जाएगा, बोलो आएगा कि नहीं, सात आएगा ना, मतलब बायां पद क्या आएगा इसमें एक रखोगे तो सात आएगा, लेकिन इसमें एक रखोगे तो क्या आएगा, दो एक कम दो और ग्यारह दो कितना आएगा, तेरह, दोनों पद बराबर हुआ, बोलो हुआ नहीं ना भैया? यक्स का मान इसमें हमने एक रखा तो ये सात आया, लेकिन इसमें रखा तो तेरह आ गया, बराबर नहीं आया ना, दोनों बराबर नहीं आया। लेकिन यहाँ आ जाओ, यक्स का मान इसमें एक रखो, चलो रखो कितना आएगा, ध्यान दो इसमें यक्स का मान वन रखोगे ये दो एकम दो हो जाएगा, ये एक का स्क्वायर कितना हो जाएगा, एक माइनस एक जीरो, कुल मिला के शून्य हो जाएगा। यक्स का मान एक रखोगे शून्य आएगा, बोलो आएगा कि नहीं आएगा? यक्स का मान अगर इसमें वन रखोगे तो ये शून्य आएगा। भाई हल करके देख लो, यहाँ पे हल करना पड़ेगा आप लोग को, मेरे पास ज़्यादा जगह नहीं हल करने की। यहाँ पे यक्स का वैल्यू वन रखो इस पूरे समीकरण में, सर्वसमिका में, तो यहाँ जीरो आएगा, लेकिन अगर इसमें रखोगे वन तो कितना आएगा, सोचो इसमें वन रखोगे तो क्या आएगा, एक का क्यूब करोगे एक रहेगा, दो में गुणा करोगे दो हो जाएगा, और माइनस दो एक कम दो, यानी ये दो माइनस दो बनेगा, ये भी जीरो आएगा, आएगा ना? आपने क्या देखा, इसमें दोनों पद शून्य आया, LHS भी शून्य RHS भी शून्य आया ना? शशि सिंह अभी आप थोड़ा देर और देखिए, समझ में आएगा, अभी क्लियर हो जाएगा। पहला सवाल है, हमें पता है आप लोग को कम समझ में आ रहा है, टेंशन मत लीजिए, निवेदन है बने रहिए पूरा टाइम, अभी और एक एग्जाम्पल देंगे एकदम क्लियर हो जाएगा। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये चीज़ आप हल नहीं कर पा रहे हो क्या, ये हल नहीं कर पा रहे हो क्या? चलो मैं हल करके दिखाऊं क्या इसको, हल नहीं कर पा रहे हो क्या भाई, ये भी तो मुसीबत है ना यार। चलो ठीक है, मैं इसको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, इधर देखो, मैं नीचे हल करके भी दिखाऊंगा फिर मिटाऊंगा, क्या करूँ, मजबूरी है ना, ज़रूरी है समझाना। देखो इधर साइड में देखो, यहाँ पे अच्छे से देखो,
देखिए, हमने इस दिए गए समीकरण 4x प्लस 3 इक्वल 2x प्लस 11 में x का मान 1 रखा है। क्या रखा है? 1 रखा है। 1 रखेंगे तो 4x की जगह पे 1, ये 3, x की जगह पे 1 और प्लस 11, ये इस तरह से 4 एक कम 4 और 3 7 हो गया, 2 एक कम 2, 11 2 13 हो गया। समझ में आया? ये है LHS, बायां पद है, ये है RHS, ये दायां पद है। अब समझ में आया, इसलिए मैंने 7 लिखा था दायां, ये बायां पद को, 13 लिखा था दायां पद को। हाँ, ये बायां है, ये दायां है। अब समझ में आया ना? अब आ गया समझ में? अब देखो, यही कारण था यहाँ पे 13 और ये 7 और 13 लिखा गया था, इसमें हल किया गया था इनको। चलो, अब क्लियर हुआ? देखो, आप लोग कुछ करना चाहते नहीं ना, मुसीबत तो ये है। देखो इधर साइड में, देखो इधर में बता दे रहा हूँ, ये जीरो जीरो कैसे हुआ, ये जीरो जीरो कैसे हुआ, ये चीज़ देखो यहाँ पे। इसे मुझे और ऊपर थोड़ा बनाना था, मुझे नहीं पता था इतना खच्चर टाइप के बच्चे जुड़ेंगे आज। देखो ये 2x और x का स्क्वायर माइनस 1, इसमें मान रखो कितना, 1 रखो, तो भैया ये 2 एक कम 2, 1 का स्क्वायर करोगे 1 होगा, माइनस 1, इस तरह से 2 गुणा 1 से 1 घटाओगे 0 आएगा, कितना आया, 0 आ गया ना, 0 आ गया ना। x की जगह पे कुछ भी रख सकते हो मिस्टर, कुछ भी रख सकते हो x की जगह पे, मैं अभी वही तो बता रहा हूँ ना। अभी तो मैंने 1 रखा है, फिर अभी 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, आपको ट्राई करके दिखाएंगे, हर एक मान रख लो, कुछ भी रख लो, सब कुछ रख के दिखाएंगे, टेंशन मत लो। चलो, तो इसलिए क्या था ये, देखो एक बार समझ लो, ये बायां पद है, ये LHS है, ये LHS है, ये दायां पद है, ये RHS है, यहाँ ये RHS है, यहाँ ये कहा है भैया LHS है, लेफ्ट हैंड साइड। अब समझो पूरी कहानी, अनंत पांडे एक बार फिर से देख लो बाबू, ठीक है, पीछे करके देख लो। चलो, नाम हट गया आपके नाम से, का है का मुसीबत, ये हो गया। अब चलो इसको भी देख लो कैसे शून्य आया था। देखो यहाँ पे 2x का क्यूब माइनस 2x, x का मान क्या रखना था, x का मान 1 रखना था ना, इसमें भी 1 रख के देख लो, 2 और 1 का क्यूब माइनस 2 गुणे 1, ध्यान दो कितना आएगा, ये भैया 2 1 का क्यूब करोगे 1 ही रहेगा, 2 माइनस 2 होगा बराबर 0 आएगा, कितना आएगा, 0 आएगा। इस कारण से आपका ये भी देखो 0 आया था, RHS LHS दोनों 0 आया था ना। चलो अब क्या करेंगे हम, ये कहानी तो आप समझ गए हो, ऊपर की बातें मैं मिटा देता हूँ जिससे ऊपर हल कर सकें, हाँ ठीक है, ऊपर जगह थोड़ी खाली करें जिससे हम लोग ऊपर क्वेश्चन हल करेंगे, क्योंकि नीचे भर जाएगा धीरे धीरे तो ऊपर हल करना पड़ेगा। अब देखो x का मान 2 रख के देखते हैं, अगर हम 2 रखेंगे तब देखो इसमें क्या आता है। चलो x का मान 2 रखो, इसमें 2 रख के बताओ बच्चा क्या आएगा, जल्दी से, अरे सिंपल सी बात है यार भाई, ये देखो आपका बायां पद है, RHS है, इसमें x की जगह पे 2 रखोगे यानी 4 गुणा 2, x की जगह 2 धन ये 3, 4 दूना 8, 3 11, भाई 4 का 2 में गुणा कर लो 8 हो गया, 3 11 हो गया, कितना आ गया 11 आ गया। समझने वाली चीज़ है, यहाँ पे समझोगे तो समझ में आएगा, नहीं समझोगे तो कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा, क्योंकि दिमाग लगाना पड़ेगा यहाँ पे। बिल्कुल सही है नेहा जी, रंजना देवी, आशीष कुमार, विजय, सबका सही है। अच्छा इसमें क्या आएगा फिर, इसमें क्या आएगा, इसमें भी रख लो ना 2, देखो 2 रखोगे 2 दूना 4, 11 4 15, ये क्या हो गया 15, समझ में आया ना, दोनों पद बराबर आए नहीं आए, यानी हमने क्या किया था, हमने क्या किया था, हमने x के मान 2 रखे थे लेकिन दोनों पद बराबर नहीं आए। इसमें चलो रख के देखो, इसमें 2 रख लो बाबू, चलो रख लो भैया 2 रख के देखो क्या होता है, रखो चलो रख के मान बताओ, मैं मार्कर में इंक डालता हूँ, आप लोग मान बताओ जल्दी करो, चलो सभी बच्चे मान बताओ, 2 मान रख के बताओ, चलो जल्दी करो,
फटाफट। रामचंद्र 15 आ रहा है, और कोई एनीमन? सभी बच्चे करो भाई, सभी सभी फटाफट रेडी। दो रखो, कितना आएगा? सुमित जी का सही है का? मैंने कहा इसमें यक्स की वैल्यू 2 रखो, इधर भी उधर भी। एलएचएस कितना आएगा, आरएचएस कितना आएगा बताओ। ज्ञान प्रकाश जी 15 तो कहीं नहीं आ रहा बाबू उसमें, इसमें। अच्छा ये तो 15, हाँ बहुत पहले से आया था, ठीक है। मैंने जिसमें पूछा उसमें बताइए आप, जल्दी करिए। चंदन कुमार बिल्कुल सही, वेरी गुड, 12 आया। दोनों में सेम आएगा ना, मैंने एक एग्जाम्पल बताया था शुरू शुरू में। ये आधुनिक नारी है, ये पतिव्रता नारी है, मतलब समझाया था ना। आप इससे काफ़ी कुछ समझ सकते हो कि समीकरण जो होता है वो यक्ष के किसी एक निश्चित मान के लिए संतुष्ट होता है, लेकिन जो सर्वसमिका होती है वो यक्ष के प्रत्येक मान के लिए संतुष्ट होती है, चाहे जो भी मान हो। यानी वो सबका साथ सबका विकास वाले हैं, और ये पुराने ज़माने के हैं। अब मतलब आपको यहाँ पे समझ में कम आ रहा होगा, हो सकता है, लेकिन इसको समझो। चलो यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या रखना है, 2 रखना है, तो 2 रख लो भैया। ये 2 रखा, ये 2 का स्क्वायर, हल करके देखो कितना आएगा। 2 दूना 4 कितना हुआ, 2 दूना 4, और ये 2 दूना 4 माइनस 1 यानी 3 हो जाएगा। गुणा करोगे तो 4 3 12 आएगा, कितना आएगा, ये 12 आएगा। कितना आएगा, 12 ना, इसमें भी कर लो ये भी 12 आएगा। इसमें यक्ष का कोई भी मान रख दो बराबर आएगा, दोनों बराबर आएगा, हमेशा बराबर आएगा, चाहे कुछ भी रख दो। अगर आपके मन में जो भी है बताओ, आपके मन में जो भी मान आए बताओ, मैं रख दूँ वही आएगा, दोनों पद हमेशा बराबर आएगा। लेकिन ये हमेशा बराबर नहीं हो सकता है, ये सिर्फ यक्ष के एक निश्चित मान के लिए बराबर होगा, यक्ष के सिर्फ एक निश्चित मान के लिए इक्वल होगा। तो इसमें रख लो 2, देखो इसमें 2 रखोगे, इधर वाले में देखो तो 2 का क्यूब कितना होगा, 8 होता है, 2 का क्यूब याद करवाया हूँ, माइनस 2 गुणा 2, देखो ये 2 8 16 और 2 दूना 4, 16 में से 4 घटाओगे भैया 12 आएगा, यानी ये भी कितना आया, 12 आया, कितना आया, 12 आया ना। 5 रखें, चलो ठीक है, देखो कोई बोला है शालिनी रंजन ने 5 रखें, चलो ठीक है, दोनों में 5 रख लो, 5 नहीं पहले 4 रख लो, तब पहले 4 रखते हैं फिर 5 रख के देखेंगे। ध्यान देना, बहुत ही ईमानदारी से देखना, ये समीकरण है, ये सर्वसमिका है। हमने कहा है कि समीकरण यक्ष के एक निश्चित मान के लिए संतुष्ट होता है, जबकि सर्वसमिका यक्ष के सभी मान के लिए संतुष्ट होती है। अब चलो देखो कैसे, 4 रख के बताओ इसमें कितना आएगा, चलो रेडी बताइए। यक्स की वैल्यू 4 रखने पे क्या आ रहा है, कोई बताएगा, एनीवन कोई बताएगा? नीतू बघेल, वो तो पुरानी कहानी थी जो आपने बताया, रखना कहाँ से है। अच्छा देखो इधर भाई कुछ और बोल रहा है वो बंदा, मैं उसकी बेइज्जती नहीं किया, जाने दो। 4 रख लो यक्स की जगह पे, और ये 3, आपको पता है 4 चौक 16 3 19 कितना आएगा, 19 आएगा, बिल्कुल देखिए उत्तर आ गया, सविता उपाध्याय का 19 आया। इसमें भी रख लो 4, तो 4 दूना 8 8 11 19, देखो मिल गया इसका वो अपना जो ये खोज रहा था। सिर्फ और सिर्फ यक्ष के 4 रखने पर ये दोनों पद बराबर आएंगे, और कोई भी मान रख लो, दुनिया की कोई भी ताकत लगा दो, ये दोनों पद बराबर नहीं होंगे। मैंने कहा था ना ये पुराने ज़माना की पतिव्रता नारी हैं, जो सती हो जाती थी, है ना, सुने हो, ये मॉडर्न ज़माने वाले हैं, ये सती नहीं होती। हमारी बात का कुछ अनर्थ मत निकालिएगा, केवल यहाँ समझने के लिए लीजिएगा, बस सिर्फ यहाँ समझने के लिए। अब देखो ध्यान से आगे, अब इसमें क्या करना है, एक्स का 4 रखो भाई मान, चलो 4 रख के देखो कितना आएगा, 4 रख के देखो, इसमें 4 रखोगे तो कितना आएगा, ध्यान दीजिए, ये 2 गुणे 4, और ये यक्स का मान कितना रखना है, 4 रखना है ना, तो ये 4 का स्क्वायर माइनस 1 कितना आएगा, हल करके बताओ। अरे इतने लोग देख कर रहे हो यार, कुछ तो बोलो, कुछ तो बोलो भैया, कितना आएगा, 119 आ रहा है। अनुष्का शुक्ला, कौन सी दुनिया में है आप जो 119 आ रहा है आपका, कैसे 119 आ रहा भैया,
119 नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा, हल करके देख लो। 120 आएगा, 4 चौक 16, 16 में से एक घट जाएगा 15, और 15 8 120, 120 आएगा, 120 आएगा, 19 कैसे आ रहा है यार, बड़े अजीब टाइप के इंसान हो आप लोग। ये देखो ये 8 हो जाएगा, नीचे से ऊपर को हल कर रहे। ये 16 माइनस 1 हो जाएगा, 8 गुणे 15, अब पहाड़ा नहीं आता है, 15 8 120 होता है, 120 आएगा, दोनों दोनों में 120 आना चाहिए। तो ये तो भैया क्या है, 120 आ गया, इसमें रख लो, इसमें रख लो, दूसरे वाले में रख लो, क्या रखना है, x की वैल्यू रख लो, कितना रखना है, 4। तो ये 4 का क्यूब माइनस 2 गुणा 4, हल कर लो, इसमें भी 120 ही आएगा, 120 ही आएगा, मैंने कहा नहीं, इसमें x का कोई भी मान रख दो, दोनों पद हर समय बराबर आएगा, हर समय बराबर आएगा, लेकिन ये x के सिर्फ 4 मान के लिए बराबर होगा, अन्यथा किसी भी मान के लिए ये बराबर दोनों पद नहीं होंगे। देखो ये 7 था 13 था 11 था 15 था, 19 है 19 है, बाकी 4 के अलावा कुछ भी रखोगे कभी दोनों बराबर नहीं होंगे। ये समीकरण है, ये क्या है, समीकरण है, ये सर्वसमिका है। अब तो समझ में आया, एक ऐसा बीजीय व्यंजक जो अज्ञात राशि के एक निश्चित मान के लिए संतुष्ट होता है, एक ऐसा बीजीय व्यंजक जो अज्ञात राशि के एक निश्चित मान के लिए संतुष्ट होता है वो समीकरण कहलाता है, इक्वेशन कहलाता है, जबकि एक ऐसा बीजीय व्यंजक जो अज्ञात राशि के प्रत्येक मान के लिए संतुष्ट होता है, हर एक मान के लिए सेटिस्फाइड होता है, वो सर्वसमिका कहलाती है। समझ में आ गया अंतर तो बोलो, और बच्चे आधा से ज़्यादा लाइक नहीं किया अभी तक, क्योंकि मैंने बोला नहीं तो उन्होंने किया नहीं। इसमें भी रख लो 120 आएगा, मैंने बोला नहीं तो किया नहीं, जल्दी से कर दो भाई, चलो फटाफट, मुझे पता है सभी बच्चे बहुत अच्छे हैं, जल्दी से सभी लाइक करें और फिर आगे बढ़ते हैं, बहुत जल्दी करें, वेरी गुड। जिनको जिनको समझ में आ गया जल्दी से लाइक करके यस बोलें, जिनको नहीं आया टेंशन मत ले, मैं दूसरा एग्जांपल बताऊंगा। लेकिन टाइम से आया हो तभी समझ में आएगा, जो अभी अभी आए हैं उनको नहीं समझ में आएगा। समीकरण सर्वसमिका तो चाहे ना समझ में आया हो, लेकिन आधुनिक नारी और वो पतिव्रता नारी तो समझ में आ गया होगा ना, अगर आप समझदार हैं तो आप समझ गए होंगे। चलिए अब अगर वो आ गया तो आप समीकरण सर्वसमिका भी समझ जाओगे। कुछ लोगों के मन में होगा इसके आगे काहे नहीं कर रहे, अब देखो इसके आगे, इसके आगे चलो हम और भी रख के दिखा देते हैं। 5 रखने को कोई कहा था, चलो 5 रख के देख लो, 5 रख देते हैं, चलो अब बोलो कितना आएगा। 5 रखो, x का वैल्यू 5 रखो, समीकरण में क्या आएगा दोनों पद बताओ, जल्दी करो। हाँ मुझे पता है कि आप लोग का आ गया समझ में, क्योंकि आप लोग ऐसे ही एग्जाम्पल समझते हैं, इसलिए हम ऐसे ही एग्जाम्पल देते हैं आपको जैसे आप समझ जाएं। चलिए 5 रखते हैं इसमें, तो भैया इसमें 5 रखोगे x की जगह पे बाबू, तो ये हो जाएगा 4 गुणा 5 धन 3, 4 5 20 3 23, कितना आएगा, 23 आएगा, 1 में 21 आएगा, बहुत अच्छे, वेरी गुड बच्चे, इसमें 21 आएगा, दोनों संतुष्ट हुआ नहीं हुआ ना, दोनों संतुष्ट नहीं हुआ, मैंने कहा था ना ये पतिव्रता नारी की श्रेणी में आती भैया, ये सिर्फ एक ही के लिए है, सबके लिए नहीं। अब इसमें कुछ भी रख के देख लो, 6 रखोगे तभी बराबर नहीं होगा, 7 रखोगे तब भी बराबर नहीं होगा, इसका फेवरेट सिर्फ 4 है, और ये 4 के अलावा और किसी की मान से संतुष्ट, देखो यार थोड़ा अगर बफरिंग होगा तो कोई बच्चे जाएंगे नहीं, ठीक है, बफरिंग हो रहा है क्या, एक बात मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, अगर थोड़ा बफरिंग होगा तो कोई जाएगा नहीं भाग के क्लास छोड़ के, चल रहा है कि नहीं बोलो, अभी थोड़ा सा मेरी तरफ से रिकनेक्ट हो रहा था, चल रहा है तो बोलो यस चल रहा है। चलो इसमें देखते हैं आप लोग, लेकिन कमेंट जरूर करो भाई तभी मज़ा आएगा, बताओ कमेंट करके चल रहा है कि नहीं, चल रहा है ना, मुझे तो थोड़ा सा कंफ्यूजन होने जाता है यार,
चल रहा है भैया साहब, कुछ तो कमेंट करो ना यार कोई। चल रहा है, चलो। हाँ, यक्स का वैल्यू इसमें 5 रखो। चलो यक्स का वैल्यू क्या रखें, 5 रखो। 5 रखो, कितना आएगा? रेडी हो जाओ फटाफट बच्चे। 5 रखोगे इसमें, यक्स की जगह पे 5 रख लो, तो ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा -1। हल करो, कितना आएगा जल्दी बताओ। इधर कितना आएगा, इधर कितना आएगा, मतलब 5 रखने पे दोनों पद में क्या आ रहे हैं? बोलो यार जल्दी बोलो, फटाफट बोलो। देखो कौन है भैया ये? आशीष कुमार का आ गया। और कोई, और कोई बच्चा? चलो 2 5 10 और 5 25 -1, यानी ये 10 × 24 बनेगा बाबू, तो ये 240 आएगा। कितना आएगा? 240 आएगा। कमेंट आना बंद हो गया, मैं क्या करूं, मुसीबत है, क्या करूं? हाँ, इधर साइड में भी रख के देख लो, रख के देख लो, इसमें भी रख के देख लो, हमेशा क्या आएगा? 240 ही आएगा। यानी आप कह सकते हो कि 5 के लिए भी दोनों बराबर था, 4 के लिए भी बराबर था, 2 के लिए भी बराबर था, 1 के लिए भी बराबर था, कुछ भी रख दो सब के लिए बराबर होगा। ये सर्वसमिका है, लेकिन ये समीकरण है, ये समीकरण है, ये सिर्फ यक्ष के एक निश्चित मान के लिए संतुष्ट होगा, अन्यथा कुछ भी रख दो इसमें, सोना चांदी गहना ला के रख दो, ये कभी सेटिस्फाइड नहीं होने वाला है। ये सिर्फ और सिर्फ यक्ष के 4 मान के लिए संतुष्ट है, बाकी कुछ भी रख दो ये संतुष्ट नहीं है। तो क्या है ये समीकरण है, वो क्या है? सर्वसमिका है। बात समझ में आ गई ना? चलें आगे। चलो बताओ किसको किसको नहीं समझ में आया, बोलो फटाफट। यार चल नहीं रहा भाई, मज़ा नहीं आ रही, मतलब वो कमेंट नहीं चल रहा है, पता नहीं क्यों नहीं चल रहा है। चलें आगे। चलिए इधर ध्यान दीजिए। अब आप लोग ये बताओ मुझे, एक मैं समीकरण दे रहा हूँ, ये बताओ ये यक्ष के किस मान के लिए संतुष्ट होगा? जल्दी बताओ यक्स का कौन सा मान रखेंगे ये सेटिस्फाइड हो जाए। महेंद्र सर वो फ़ोन दीजिएगा थोड़ा सा, महेंद्र थोड़ा फ़ोन दीजिएगा, आप उससे देख लीजिए, अभी क्लास के बाद ले लीजिएगा। थोड़ा बुक वुक से पढ़ लीजिए तब तक, क्योंकि चल नहीं रहा यार उसमें। हाँ बिल्कुल सही, वेरी गुड। देखो कमेंट अब आने लगा आपका। देखो यार वो काफ़ी दूर पड़ जाता है, इसलिए दिखता नहीं मुझे कमेंट, हाँ इसलिए मुझे दिख नहीं रहा था, इसलिए क्लियर नहीं हो रहा था। ठीक है, बिल्कुल सही है। विजय राज, आशीष, अमित, साक्षी, जो भी कमेंट कर रहे हैं सभी का राइट है, और ट्राई कर रहे हैं सभी बच्चे। मैंने कहा कि यक्स के किस मान के लिए संतुष्ट होगा, आप लोगों ने ट्राई किया बहुत अच्छे। यक्स का वैल्यू आप 3 रखोगे तो ये सेटिस्फाइड होगा, अन्यथा ये सेटिस्फाइड नहीं होगा। आप रख के देख लो, सभी बच्चे रख के देखें। गरिमा त्रिवेदी, पवन, नेहा, आरती, अमित, रवि, देखो सभी बच्चे ट्राई कर रहे हैं ना, सभी ट्राई करेंगे। एक्स के किस मान के लिए संतुष्ट है ये? संतुष्ट का मतलब दोनों पद बराबर आना चाहिए, LHS RHS, यानी बायां पद दायां पद बराबर होना चाहिए। जल्दी बताओ फटाफट, रेडी हो जाओ। तो आप समीकरण और सर्वसमिका जान गए? ठीक है, अगर जान गए तो अच्छी बात है, जान गए हो तो चलो फिर ठीक है, बहुत अच्छे, वेरी गुड। एक और बता दो फिर लगे हाथ, जान गए हो तो एक और बता दो लगे हाथ फिर, चलो। बिल्कुल, यहाँ पे यक्स का अगर हम 2 मान रखें आप देख लो, तो भैया 2 रखने पर ये बराबर नहीं आएगा। 2 × 2 = 4 और 7, देखो 11 = 16 बराबर नहीं है, ये डज नॉट इक्वल बराबर नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पर हम 3 रख देंगे तो ये देखो, ये देखो का देख रहे हो, ये 9 × 7, ये 16 = 16 बराबर आ रहा है ना। और कोई भी मान रख लो यक्स की जगह पे 3 के अलावा, कभी दोनों पद बराबर नहीं होगा। कुछ भी रख लो, 5 रख लो, 8 रख लो, 7 रख लो, कभी बराबर नहीं होगा। यक्स के सिर्फ एक निश्चित मान के लिए ही संतुष्ट होगा। पता कैसे चलेगा कि 3 ही रखना है? बिल्कुल आपने सही कहा सोनम जी, कैसे पता चलेगा 3 रखना है? बिल्कुल, देखिए कैसे पता चलेगा,
हाँ बहुत अच्छा सवाल किया इन्होंने। जो बच्चे पढ़ने वाले हैं उनके मन में सवाल आते हैं, जो नहीं पढ़ने वाले हैं उनके मन में पता नहीं क्या क्या ख्याल आते हैं, वही जाने। देखो इधर कैसे पता चलेगा, इसका मान आप निकाल भी सकते हैं ऐसे, x का स्क्वायर इक्वल ये 16, ये 7 इधर ले जाओ घट जाएगा, x का स्क्वायर इक्वल 9, x बराबर आप 9 का वर्गमूल करेंगे जब तो x बराबर 3 आएगा, इसलिए पता चलेगा कि x का मान 3 रखने पर यह संतुष्ट होगा। समझ में आया ना नीलू जी, एकदम बेसिक से बता रहे हैं, लेकिन अगर आप डेली जुड़िए क्लास में तब ना, अगर आप 12वीं क्लास है आज, आज 12वीं क्लास है, आप 12वीं क्लास देखेंगी, बीच की 11 क्लास छोड़ के तो कहाँ समझ में आएगा, फिर कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा, फिर कहेंगी यहाँ तो अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए आप रेगुलर क्लास देखिए। और सभी बच्चों से एक ही निवेदन होगा, अगर क्लास थोड़ा सा बफरिंग होती तो भैया जाना मत कोई क्लास छोड़ के, हाँ कोई बच्चा क्लास छोड़ के नहीं जाएगा अगर थोड़ा बफरिंग होगा तो। अच्छा मुझे एक बात बताओ, मैं कुछ एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, इनमें कौन समीकरण है कौन सर्वसमिका है, चलो बताओ जल्दी करो, इसमें कौन समीकरण है और कौन सर्वसमिका है, पहले तो आप मुझे ये बता दो कौन इसमें से समीकरण है, दोनों में लिखूंगा दो में से एक बताना, एक समीकरण होगा एक सर्वसमिका, कौन समीकरण है ये बताना, सिर्फ मैं समीकरण पूछ रहा हूँ, चलो मैं सिर्फ समीकरण पूछ रहा हूँ, आप मुझे ये बताओ इन दोनों में बच्चा कौन समीकरण है, कौन समीकरण है इन दोनों में, समीकरण है, चलो ठीक है। रविशंकर जी आपको बहुत बार बताया बच्चा, भैया आप ये कोई भी प्रकार का लोगो मत भेजा करो, कोई प्रकार का इमोजी मत भेजा करो, स्टिकर मत भेजा करो, लेकिन तुम यार समझते नहीं हो, इसमें कौन समीकरण है कौन सर्वसमिका है, जान गए हो कि नहीं जान गए हो। गरिमा त्रिवेदी आपने तो कुछ मतलब की चीज़ नहीं बताया, मैंने पूछा ए और बी दिया है तो ए और बी में से बताइए, माही सोनी सुमित शील अशोक ज्योति पटेल अमित पूजा प्रजापति पवन सुमन सबका सही है भैया, इसमें मैंने पूछा कौन समीकरण है कौन सर्वसमिका है, तो जो यक्ष के प्रत्येक मान के लिए सेटिस्फाइड होगा वो सर्वसमिका होगा, जो यक्ष के सिर्फ एक निश्चित मान के लिए संतुष्ट होगा वो समीकरण होगा। चलिए ठीक है, बहुत अच्छे, वेरी गुड। तो ये कल जिनको भी कुछ मिला हुआ था भैया उन लोगों के द्वारा, देखिए कल जो सबसे पहले जवाब दिया था नीलम राणा, जिनका आप लोग मजाक उड़ा रहे थे कि भैया आपने कहा था कि सरप्राइज मिलेगा, मिला नहीं, देखो उनका सरप्राइज आज तक चल रहा है, कमेंट उनका हाईलाइट होके आ रहा ना। इसमें ये समीकरण है, ये सर्वसमिका है, ये क्या है, ये सर्वसमिका है, कैसे सर्वसमिका है, अगर क्लास शुरू से देख रहे हो तो समझ गए होंगे, अभी तक क्लास शुरू से देख रहे हो तो समझ गए हो, बताना नहीं है, ये समीकरण है, क्या है, ये इक्वेशन है, क्योंकि इसमें दोनों पद सिर्फ एक निश्चित मान के लिए बराबर होंगे, लेकिन नीचे वाले में क्या है, इसमें x का कोई भी मान रख दो नीचे वाले में दोनों बराबर होगा। चलो मैं ट्राई करके दिखा देता हूँ, देख लो इधर साइड में कैसे है, देखो मैं दोनों को यहाँ पे वेरीफाई कर देता हूँ, समीकरण और सर्वसमिका कैसे हैं, ध्यान दो आप लोग, और जो बच्चे इस सेशन को अभी तक लाइक नहीं किए जल्दी से करें, तुरंत देर ना करें, और ये आपका नया चैनल है तो इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए, जिससे आप इस तरह से फ्री क्लासें पढ़ सकें, हर रोज पढ़ सकें। अब मुझे ये बताओ यक्ष के कौन से मान के लिए ये संतुष्ट होगा, संध्या कुमारी दिख रहा है, सबका कमेंट दिख रहा है, कमेंट दिख रहा है, चलो बताओ ये यक्ष के किस मान के लिए संतुष्ट होगा, कोई बताएगा, ये तो भैया सभी के लिए संतुष्ट होगा, इसमें कुछ भी रख दो सबके लिए वही आएगा, ये बराबर आएगा। जवाब दो फटाफट सभी बच्चे, चलो रेडी, चलो ठीक है, यक्ष का यहाँ पे एक रखो वैल्यू, आपको पता है ये इतना आएगा, एक रखोगे एक धन एक, ये दो आएगा, ये दो आएगा, हाँ बड़े जल्दी आ गए यार, तो सिर्फ
सिर्फ और सिर्फ एक के लिए संतुष्ट भी है ये, बाकी कोई मान के लिए सेटिस्फाइड भी नहीं होगा ये, और कोई भी मान रख लो कितना भी जोर लगा लो ये संतुष्ट नहीं होने वाला है। नहीं, इसमें एक रखो। अनंत पांडे साहब का चल रहा है, तुम्हारा का नहीं चल रहा भाई? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। इसमें भी वन रखो, वन प्लस वन इक्वल वन का स्क्वायर प्लस वन, ये टू और ये टू, दोनों मैंने अंतर लगा के लिखा है ना। ठीक है, वन रखा मैंने तो दोनों संतुष्ट हैं, समीकरण भी संतुष्ट है, सर्वसमिका भी संतुष्ट है। सर्वसमिका तो वैसे भी सबके लिए संतुष्ट होती है। चलो ठीक है, दो रख के देखो, अभी पता चल जाएगा, पोल खुल जाएगी। दो रख के देखो, चलो दो रखते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब की बार दोनों संतुष्ट नहीं होंगे, ये तो सेटिस्फाइड होगा दोनों पद LHS RHS, लेकिन ये दोनों संतुष्ट नहीं होगा, सिर्फ एक के लिए ही सेटिस्फाइड होगा क्योंकि वो समीकरण है। दो रखो, दो धन एक इक्वल दो का स्क्वायर धन दो, ये दो एक तीन दूना छः और ये दो दूना चार दूना छः। देखो ये सर्वसमिका थी बच्चा, दोनों तरफ क्या आ गया, दोनों सर्वसमिका नहीं है। नहीं नहीं, दोनों सर्वसमिका कतई नहीं है, नहीं है। दो रखो इसमें, इसमें दो रखो, कैसे दोनों है, हर स्थिति के लिए संतुष्ट नहीं होगा। देखते हैं, दो दूना चार एक पाँच, ये देखो कहाँ आया बराबर, एक पाँच आ गया, एक छः आ गया कि नहीं, हल करना आएगा तब आएगा ना, अगर गलत कर दोगे तब तो सब गड़बड़े हैं। ठीक ना, आरती नरवर जी बिल्कुल सही है, एक फाइव आएगा एक सिक्स आएगा, एक फाइव आएगा एक सिक्स आएगा। देखो दो रखने पे पोल खुलने लगी ना, ये दोनों बराबर नहीं आ रहे LHF RHF, लेकिन ये बराबर है, ये हमेशा बराबर होगा, कुछ भी रख दो सबके लिए बराबर होगा, लेकिन वो बराबर नहीं होगा भैया, कतई नहीं बराबर होगा वो, समझ में आया ना सभी को। कुछ भी रख के देख लो, कोई बताए, x का मान पाँच रख दो, ये तब भी दोनों पद बराबर आएंगे, लेकिन ये बराबर नहीं आएंगे, ये सिर्फ एक रखने पे बराबर होगा। सिर्फ वन रखोगे x का मान तभी दोनों पद बराबर होगा, अन्यथा कभी भी बराबर नहीं होगा, समझ गए ना। तो ये बात आप समझने की कोशिश करो बच्चा लोग, नोट करो फटाफट, देर मत करो। तो आपको बता दें कि ये क्लास हर रोज़ चलती है रात्रि 9 बजे से लेकर 9:45 तक। अगर क्लास लेट होती है तो हमारी 10 बजे वाली क्लास लेट हो जाती है, इसलिए क्लास इसके आगे नहीं चलेगी। जो बच्चे सेकंड सेमेस्टर में हैं, अगर वो चाहते हैं कि पूरी क्लास जल्दी से जल्दी देख लें, क्योंकि यूट्यूब पे पेपर के पहले कोर्स ख़त्म होना मुझे तो नहीं लग रहा संभव है, क्योंकि टाइम बहुत कम है, हो सकता है एग्ज़ाम बहुत जल्दी हो जाए, तो आप गूगल प्ले स्टोर से PVR स्टडी ऐप डाउनलोड करिए और जाके पूरा कोर्स ले लीजिए, फटाफट आज ही देखना शुरू कर दीजिए, क्योंकि PVR स्टडी ऐप के अंदर पूरा कोर्स एक साथ मिल जाएगा आपको। आप चाहो तो 5 घंटे की लगातार क्लास भी देख सकते हो, आपके अंदर 5-5 घंटे पढ़ सकते हो, सेकंड सेमेस्टर पूरा कोर्स पढ़ सकते हो, 7 दिन के अंदर जाके पढ़ लो चाहे, ठीक है। तो होमवर्क भैया, अब क्या बताऊँ मैं, टाइम नहीं है, आज होमवर्क नहीं मिलेगा, आप लोग खुद से करना बुक से अपनी। 10 बजे से हमें फिर से लाइव आना है, ठीक है। आशीष जी माफ़ी चाहते हैं, होमवर्क नहीं मिल पाएगा, टाइम नहीं है। जो नए बच्चे जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन करें, जिससे कि उनको क्लास मिल सके, और रेगुलर 9 बजे से लाइव जरूर आ जाएं, देर ना करें, अगर देर में आओगे समझ में नहीं आएगा। हाँ, जो लेट में जुड़े हैं वो इस वीडियो को लाइव ख़त्म हो जाएगा, वॉच रिप्ले ऑप्शन आएगा, उस पर टच करके दोबारा से देखेंगे, स्क्रीन पे ऑप्शन आएगा वॉच रिप्ले, अगर नहीं आता तो फिर भी अपने व्हाट्सएप में जाना, जहाँ पे आपको लिंक मिली थी मिल जाएगा। एक बात और सुन लो, जिन बच्चों को क्लास की लिंक नहीं मिलती है वो PVR स्टडी का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, PVR स्टडी का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है। जिनके पास टेलीग्राम का ऐप नहीं है वो गूगल प्ले स्टोर से टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करके अपना अकाउंट बना लें और फटाफट टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, क्योंकि यहाँ पे सारी लिंक हर रोज भेज दी जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद, आइए 10 बजे से फिर से लाइव, 10 बजे से फिर से लाइव आइए। 4 सेमेस्टर वाले बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक आज पढ़ेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, सभी बच्चे आना 10 बजे से।